बाजूबंद ये पूरे श्रृंगार धराए, और अब लाला को पूरा श्रृंगार धराए के फिर गादी पे पधराए। अपन ऐसो ही करें ना घर पे ठाकुर जी की सेवा, कैसो श्री आचार्य जी ने भाव दियो है ये। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आप हुई रहे चेरो या में कहा घटे को चेरो। अपन भी ठाकुर जी को जगावे और फिर बाद में मंगला भोग ने फिर स्नान की तैयारी और फिर चरणारविंद से लेके मस्तक तक के श्रृंगार धरावे और श्रृंगार धराए के और फिर गादी जी पे पधरावे, श्रृंगार भोग आरसी दिखावे, चरण स्पर्श करें, है ना। अपने घर में भी जो लाला पधरावे अपन वो रिंगन लीला को है। अब ठाकुर जी ने रिंगन लीला जानु ब्याम सह पाणी भयम रिंग मानो विजय हतु। अब अपने हाथन के बल और घुटनन के बल चलवे लगे, रिंगन लीला करवा लाग्या। बंदे हाथ आगड़ मुकी ने घुटमन चलते चलते कभी नंद भवन से बाहर चले जाए, फिर मैया पकड़ के लावे। श्री महाप्रभु जी ने ये जो प्रभु की जो रूप लीला है, यह रूप लीला के अंतर्गत 10 श्लोकन में प्रभु के 9 प्रकार के स्वरूप को वर्णन कियो है। तावाग्र योग ममनि कृष्य शरीर श्रुपन्तो घोषा प्रदोष रुचिरं व्रज कर्णमेषु तन्नाद हष्ट मनसा वृन सत्य लोकौ पहलो स्वरूप श्री आचार्य जी ने बताया कि भूमि पर विराजमान, भूमि पे विराजमान वालो स्वरूप। अब दोनों भाइयों को नहाए के श्रृंगार धराए के और फिर गादी पे बिठाए, तो दोनों भाई अब नन्हे पांव से गोकुल में चलवे लगे, कीचड़ में आंगन में चलते चलते आ जाए। एक दिन के बाद आंगन में कीचड़ में चलते चलते आ गए और बाहर से कोई एक दाढ़ी वालो जातो हुए दिखे। अब इनको लगे नंद बाबा हैं, बाबा बाबा करते पीछे पीछे घुटमन चलते चलते बाहर सीधे आंगन के बाहर चले गए, घर के बाहर। अब वो दाढ़ी वाले ने